कोरोना के इस दौर में कई सामाजिक संस्था और सामाजिक कार्यकर्ता बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है नौफल संस्था, जो कोरोना काल में जरूरतमंदों की सहायता कर रही है। कई बार एम्बुलेंस द्वारा ओवर रेटिंग और मनमाने ढंग से पैसा वसूलने की खबरें भी देखी जा रही हैं। वहीं कुछ लोग महामारी के इस बुरे वक्त में लोगों का सहारा बन रहे हैं। नौफल संस्था जल्द ही शिमला में डेड बॉडी एम्बुलेंस सेवा शुरू करने जा रही है। ये एम्बुलेंस पूरे शिमला में निःशुल्क सेवा देगी। संस्था के अध्यक्ष गुरमीत सिंह ने बताया कि जल्द ही संस्था की तरफ से डेड बॉडी एम्बुलेंस सेवा को शुरू कर दिया जाएगा। ये फ्री एम्बुलेंस सेवा रहेगी। उन्होंने कहा कि बीते साल कोरोना काल के दौरान अपने ही अपनों से अलग हो गए थे। डीडीयू अस्पताल में एक परिवार के सदस्य की सुबह 4 बजे के करीब मृत्यु हो गई थी। पूरा दिन परिवार के लोग शव वाहन का इंतजार करते रहे कि शव वाहन आएगा और उनके परिजन को शमशान तक पहुंचाया जाएगा। उसी दिन हमने ये फैसला कर लिया था कि हम इसके लिए कुछ करेंगे। अब इस डेड बॉडी वैन को तैयार कर लिया गया है। जल्द ही इसे शिमला में शुरू कर दिया जाएगा। कोई भी जरूरतमंद आवश्यकता पड़ने पर हमसे मदद ले सकता है। उन्होंने कहा कि शिमला में एम्बुलेंस तो बहुत हैं, लेकिन डेड बॉडी एम्बुलेंस बहुत कम है और लोगों को कई बार एम्बुलेंस के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जल्द ही एक और डेड बॉडी एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। वह पूरे प्रदेश में निशुल्क सेवा देगी। मेरा नाम गुरमीत सिंह है और मैं नौफल वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग लंगर सेवा पिछले 2 साल से डीडीयू हॉस्पिटल शिमला में निरंतर देते आ रहे हैं और हमने अभी पिछले ही कुछ समय पहले 21 जनवरी को IGMC शिमला के अंदर एक सराय का उद्घाटन करवाया माननीय डॉक्टर राजीव सैजल जी से, जिसके अंदर कैंसर के पेशेंट्स और उनके तीमारदार या और भी कोई अन्य पेशेंट या उनके तीमारदार आके निशुल्क रह सकते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने लंगर की व्यवस्था भी रखी है। लंगरों के साथ साथ हम लोग सिलाई मशीनें देते हैं, बेरोजगारों को रोजगार देते हैं, ज़रूरतमंद महिलाओं की जो बच्चे हैं उनकी बच्चियों की शादियां कराते हैं और भी बहुत सी सेवाएं हैं, जैसे बच्चों को दूध देना, बच्चों को एनर्जी ड्रिंक देना, जिनके पास राशन की व्यवस्था नहीं है उनको राशन देना। ऐसे ही कई कार्य हैं जो समाज के लिए हमारी संस्था निरंतर संगत के सहयोग से, आप सबके सहयोग से देती आई है। इसी सेवा को आगे बढ़ाते हुए हमारी संस्था बहुत जल्दी लंगर ऑन व्हील्स की शुरुआत करने वाली है। लंगर ऑन व्हील्स के अंदर ऐसा रहेगा कि जहाँ भी लंगर की आवश्यकता है, कोई भूखा है, किसी ने सत्संग कराना है, अपने घर में उसके पास पैसे का अरेंजमेंट नहीं है लेकिन उसकी इच्छा है कि मैं भागवत कराऊं, सत्संग कराऊं, सुखमनी कराऊं, कोई भी किसी प्रकार का धार्मिक आयोजन कराना चाहूं, तो वो लंगर और मील्स की जो गाड़ी रहेगी वो वहां जाके निशुल्क लंगर प्रदान करके आएगी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारी संस्था ने एक निर्णय और लिया है। हम लोग बहुत जल्दी जो है एक डेड बॉडी वैन लेकर आने वाले हैं, जो कि इसी महीने शुरू हो जाएगी। और वो डेड बॉडी लाने का हमारा मकसद ये है कि पिछले कोरोना काल के अंदर अपनों से अलग हो गए थे। मैंने एक ऐसे परिवार को, जो कि बहुत ही मौजूदा और कहते हैं असुरदार लोग थे, सुबह 4 बजे उनके परिवार के किसी सदस्य की डेथ हुई और वो शाम के 4 बजे तक DDU में खड़े रहे सिर्फ इस इंतज़ार के अंदर कि डेड बॉडी वैन आएगी और उनके अपने परिजन को शमशान तक पहुंचाएगी। तो उसी समय मैंने ये निर्णय लिया था कि हम कुछ ऐसा करेंगे जिसके लिए हम जीते जी को तो सब कोई करता है लेकिन जो मृत हो जाते हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि हम एक डेड बॉडी वैन बनाएंगे और हमने इसका जो डेड बॉडी वैन है उसका जो खरीद है कर ली है और ये डेड बॉडी वैन शिमला और शिमला के बाहर दोनों जगह चलेगी। ये पेड और अनपेड दोनों तरीके से रहेगी। जो लोग इसको पे कर पाएंगे वो पे करेंगे, जो नहीं कर पाएंगे उनके लिए संस्था पे करेगी। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम एक वैन और लेके आएंगे जो पूरे प्रदेश के लिए चलेगी। धन्यवाद। PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।